नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी टुडे न्यूज़ पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो कि निकल के आ चुका है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट है कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूँ तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ जो है अलग से भी आउट हुई हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से चेक करके आप इनके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए, और अदर जो वैकेंसीज़ आउट हुई हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई भी आप यहां पे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। इस पे दो नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नोटिफिकेशन है जिसमें ये नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट की तरफ से आउट किया गया है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ऑनलाइन आपको इसके लिए आवेदन करना है, कोई भी अदर मोड यहाँ पे अप्लाई करने का वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन वैकेंसीज़ के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ रहने वाली है, और यहाँ पे वो भी जनरल ओबीसी कैंडिडेट ने ही आपने पे करनी है। जो बाकी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए निल रहने वाली है, जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे यहाँ पे उनके लिए बिल्कुल निल है। और वैकेंसीज हैं स्किल्ड आर्टिसन की, जिसके अंदर एमवी मैकेनिक, एमवी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज हैं। उसके बाद टायर मैन की है, ब्लैक स्मिथ की वैकेंसीज हैं यहाँ पे, कारपेंटर की वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई जो है वो करना होगा। और इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो रिटर्न एग्जाम आपका होगा यहाँ पे, जिसके लिए आप जो है अप्लाई जो है वो करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके लिए आपकी जो सैलरी स्केल रहने वाली है वो आपकी 19,900 से लेके 63,200 तक आपकी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन सॉरी जो आप सैलरी स्केल है यहाँ पे वो रहेगा। यहाँ पे आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ आपके पास एक HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना वो ज़रूरी है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके लिए ऑनलाइन आपको जो है आवेदन करना होगा, सॉरी एप्लीकेशन ऑफलाइन आपको करना होगा। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ में दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन के साथ ही मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके लिए चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में, ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है जिसके लिए आपको ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ आवेदन करने होंगे, कोई भी अदर मोड यहाँ पे नहीं है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिर्फ 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी इसके लिए भी आपकी रहने वाली है। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इन वैकेंसीज़ के लिए, आपकी SC ST के लिए निल है, किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। यहाँ पे 3 तरह की वैकेंसीज़ हैं, MTS की भी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, और इसी के साथ पोस्टमैन की है जिसके लिए 21,700 आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद है मेल गार्ड की वैकेंसी है जिसके लिए 21,700 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करूँ 10th, 12th वाले कैंडिडेट इवन ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन वैकेंसीज़ के लिए जो है, ये जो SC ST OBC इनको यहाँ पे रिजर्वेशन बिल्कुल मिलने वाली है, दी भी जाएगी कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजर्वेशन। और यहाँ पे आपके जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है अपने पास पहले से ही रेडी रखने हैं, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में। और इन वैकेंसीज़ के लिए सारे सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वैकेंसीज अपकमिंग वैकेंसीज है जो अभी आउट होनी है, जिसके लिए अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आपके लिए इसी सभी तरह की वैकेंसीज जो है वो लेकर आता ही रहूंगा। सो बाकी ये नोटिफिकेशन अपकमिंग है जिसमें 75,000+ वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जो है आउट होगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहूंगा। तो ये आज का अपडेट था, मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।